How to set wallpaper in Boat Vapro 1.69 HD display smartwatch. तो गाइस आज मैं आपको इस बोट के वेप्रो 1.69 HD display वाले smartwatch में आपको अपना एक wallpaper कैसे सेट करना है उसी के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे जो स्मार्टवॉच है ये अभी रिसेंटली ही बोट की तरफ से लॉन्च हुआ है, तो ये जो स्मार्टवॉच है आपको दो वेरिएंट्स में अवेलेबल मिलता है। पहला है बोट वेप्रो 47 और सेकंड है बोट वेप्रो 1.69। तो ये जो मेरे पास वेरिएंट है ये है बोट का वेप्रो 1.69 HD डिस्प्ले वाला स्मार्टवॉच जो आपको इजीली फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने लास्ट टाइम इस स्मार्टवॉच के रिलेटेड अनबॉक्सिंग टॉपिक और इसके फीचर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक कवर किया है, तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप उस टॉपिक को जाकर आप वीडियो सेक्शंस में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसके सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, साथ ही साथ मैंने इस बोट वे प्रो में चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक भी कवर किया है और साथ ही साथ मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक भी कवर किया है इस स्मार्टवॉच को लेकर। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स चेकआउट नहीं किए हैं तो आप वीडियो सेक्शंस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि कई सारे यूज़र्स का कि इस बोट के वे प्रो स्मार्टवॉच में हम वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि अपना पर्सनल वॉलपेपर भी आप इसमें सेट कर सकते हो या तो आप अपने मोबाइल से की गैलरी में से भी कोई भी फोटो को आप इसमें सेट कर सकते हो। तो पॉसिबल है, लेट मी शो यू एग्जैक्टली हाउ टू सेट वॉलपेपर इन दिस बोट वेप्रो 1.69 HD डिस्प्ले स्मार्टवॉच। तो सबसे पहले अगर आप इसमें अपना फोटो वॉलपेपर सेट करना चाहते हो, कोई अपना कस्टम वॉलपेपर, तो इसमें का जो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको इस वॉच को एप्लीकेशन से कनेक्ट करना होगा, बोट के एप्लीकेशन से। वैसे बोट के कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो बोट जब भी कोई स्मार्ट वॉच लॉन्च करता है उसमें जब भी कोई वो एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर यूनिक टाइप का जब फीचर कोई ऐड करता है तो उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन को लॉन्च करता है। तो यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच के लिए भी एक अलग सा सेपरेट एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले टेस्ट वो एप्लीकेशन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर पर एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है बोट क्रेस्ट BOATCREST। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इस स्मार्टवॉच से कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है, अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप इसमें वॉलपेपर को सेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि वॉलपेपर आप इसमें सेट करके कोई भी दूसरा वॉलपेपर आप इसमें सेट कर सकते हो। जैसे कि इसमें स्मार्टवॉच में आपको कई सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं जो आप सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने गैलरी में से कोई फोटो को इसमें सेट करना है तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन से कनेक्ट करना होगा। देन उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो एप्लीकेशन का जो फर्स्ट होम पेज है वो आपको ऐसा दिखेगा। तो ये इसका होम पेज है, ओके। तो यहाँ पर मैंने टैप किया, ये इसका होम पेज है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है इस बोट वे प्रो के सेटिंग्स में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो सबसे पहला जो स्टेप है, सेकंड स्टेप बोल रहा हूँ, वो है आपको इसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यू कैन सी राइट हियर। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको कनेक्टन का एक ऑप्शन आ जाएगा। डायरेक्टली आपको ओके पे टैप करना है और ये बोट वे प्रो आपका एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस पर टैप करना है, देन इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करने का एक ऑप्शन आएगा, टैप करके कनेक्ट कर लेना है। तो ये सेकंड स्टेप है, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, आपको वॉलपेपर सेट करना है। इसके लिए डायरेक्टली जाना है यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन में, यू कैन से राइट ही। देन इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा वे प्रो फीचर का, यहाँ पर आपको टैप करना है। देन इसके बाद फर्स्ट नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा वॉच फेसेस का, वी कैन सी राइट हियर, इस पर टैप करना है। अब वॉच फेसेस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफॉल्ट साइड के कई सारे आपको ये डिफॉल्ट वॉच फेसेस मिल जाएंगे। अगर आप किसी पर टैप करते हो तो उसके बाद अप्लाई करते हो तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, यू कैन सी यहाँ पर सेट हो चुका है, राइट। तो ये पहले ब्राइटनेस कम करता हूँ, तो ये जो वॉलपेपर है ये अभी जस्ट सेट हो गया, यू कैन सी ये मैंने सेट किया है। अगर मैं दूसरा सेट करूँ, लेट्स मैं इसे सेट करूँ, इस पर टैप करके, तो ये अभी सेट हो जाएगा सिंपल। अगर मैं इस पर टैप अप्लाई पे क्लिक करूँगा, अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे सेट हो गया। तो ये रहा डिफॉल्ट वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन। अब उसके बाद यहाँ पे क्लाउड का भी ऑप्शन मिलता है, क्लाउड के ऑप्शन पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वॉच फेसेस मिल जाएंगे, यानी कि वॉलपेपर सेट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद बैकग्राउंड का एक और ऑप्शन मिलता है जिसपे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको कब टैप करना है, अगर आप अपना खुद का पर्सनल फोटो अगर आप सेट करना चाहते हो तो ऐसे में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन टैप करना है। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको
बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको अपने दो ऑप्शन मिलेगा, फोटो का और कैमरा का। तो यहाँ पर फोटो के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करोगे तो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के गैलरी में रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपके मोबाइल की इस गैलरी की सारी फोटोज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। तो गैलरी में से कोई भी एक फ़ोटो आपको पिक करना है और उसे आपको सेट कर लेना। अगर आप अपने खुद की फ़ोटो को भी सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने एग्जाम्पल बेसिस पे फोटो के सेक्शन में गया, यहाँ से मैंने इंटरनेट से एक फोटो को डाउनलोड किया है, NTR का फोटो, सॉरी ये रामचरण है जो साउथ का स्टार है, इसका फोटो मैं अपने इस वॉच फेस में चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे अभी इस होम पेज पर राइट कोई भी इसका फोटो नहीं है। तो मैं इसका जो फोटो है इस वॉल यहाँ पर सेट करूँगा एज अ वॉलपेपर। तो ये मैंने फोटो सिलेक्ट किया, उसके बाद डायरेक्टली डन पे टैप किया और उसके बाद यू कैन सी डायरेक्टली अगर मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ से तो उसके बाद ये फोटो यहाँ पर सेट हो जाएगा एज अ वॉलपेपर। तो यू कैन सी अब ये अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ 30-40 सेकेंड्स का टाइम लेता है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर फोटो वॉलपेपर सेट हो चुका है। दैट्स इज ऑल अबाउट यू कैन सी। तो इसी तरीके से आप अपनी खुद की पर्सनल फोटो भी आप सेट कर सकते हैं एज अ वॉलपेपर इस बोट के वे प्रो 1.69 HD डिस्प्ले स्मार्ट वॉच में। सो नाउ यू कैन सी राइट हियर यहाँ पर वॉलपेपर सेट हो चुका है। इसी तरीके से आप कोई भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं, जिसकी भी फ़ोटो को आप यहाँ पर वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, और चेंज भी आपको वैसा ही करना है इस बोट के वे प्रो 1.69 HD डिस्प्ले स्मार्ट वॉच में। जो सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ फिर से। रिपीट का यहाँ पर डायरेक्ट आपको जाना है प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है, सबसे सेकेंड जो स्टेप मैंने आपको बताया था वो था कि आपको इस वॉच को कनेक्ट करना है मोबाइल से। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे टैप करके कनेक्ट कर लेना है और आपका स्मार्ट वॉच ये बोट वे प्रो 1.16 है ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद जो थर्ड स्टेप है डायरेक्टली आपको वॉलपेपर सेट करना है। सेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा वे प्रो फीचर का, यहाँ पर आपको वॉच फेसेस का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करके यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट का जो मैंने आपको था, डिफ़ॉल्ट पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में इतने सारे फेस वॉचेस मिलेंगे जिसे आप एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो। सेकंड वाला आपको ऑप्शन मिलता है क्लाउड का, क्लाउड के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी वाले थंस ऑफ 100+ आपको फेस वॉचेस मिल जाएंगे जिसे आप सेट कर सकते हो एज अ वॉलपेपर। यू कैन सी राइट हियर अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक टैप करूँगा, लेट्स एग्जांपल अगर मैं इसे टैप करता हूँ, इसे सेट करूँ ये जो दिख रहा है, तो अब यहाँ पर ये फोटो है तो ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसे सेट किया है, उसके बाद अगर मैं अप्लाई कर दूँ, अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर एज अ वॉलपेपर सेट हो जाएगा इस बोट के वे प्रो में। तो ये समटाइम्स 30-40 सेकेंड्स का टाइम लेता है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर रुकना नहीं, ये मैं आपको सेकेंड टाइम फिर से बता रहा हूँ ताकि आप इजिली इसे समझ पाओ। सो यू नीड टू कीप इन माइंड। तो लेट्स इसको वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम ये और कंज्यूम करता है, बट मैक्स टू मैक्स ये 30-40 सेकेंड्स का टाइम लेता है इजिली पूरा कनेक्ट करने के लिए। सो नाउ फाइनली यहाँ पर जो वॉलपेपर है ये सेट हो चुका है। तो उसके बाद डायरेक्टली सक्सेस ओके एंड यू कैन सी जो एप्लीकेशन में वॉच है जो वॉलपेपर है वही यहाँ पे सेट हुआ है। दैट्स इट। अगर उसके बाद अगर आपको अपना कोई फोटो सेट करना है एज अ वॉलपेपर, पर्सनल वॉलपेपर, तो डायरेक्टली आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन में आना है, और बैकग्राउंड के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है कैमरा का और फोटो का। कैमरा से आप डायरेक्टली आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर करके उसे एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर आप चाहते हो आपकी मोबाइल की गैलरी में से कोई आपके फोटो को सेट करना है तो डायरेक्टली आपको फोटो के सेक्शन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको कोई भी फोटो पिक कर लेना। तो जैसे एग्जाम्पल के केसेस में यहाँ पर ये जो मोबाइल है इस मोबाइल का फोटो मैं यहाँ पर सेट करूँगा, तो अभी यहाँ पर ये है तो इससे मैं फिर से सेट करूँगा और उसके बाद डन पर टैप कर दूंगा। तो ये एक बार आपको प्रीव्यू दिखा था, ये इसका प्रीव्यू है। अप्लाई करने के लिए डन करने के लिए डायरेक्ट आपको अप्लाई के ऑप्शन पे टैप करना है और उसके बाद अभी ये वाला जो मोबाइल का मैंने यहाँ पे वॉलपेपर सेट किया है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा एज अ वॉलपेपर। सो लेट्स यहाँ पर फिर से वेट करते, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जब यह प्रोसेस हो तो उसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। डन। तो यू कैन सी तो मोबाइल का ये वाला वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो चुका है। दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको चेंज भी करना है तो फिर से आपको फोटो के ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको टैप करके डायरेक्टली आपको जो आपका पर्सनल फोटो है यू कैन सी ये प्रीव्यू और उसके बाद अप्लाई पे टैप कर देना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो वॉच फेसेस है यानी कि फिर से ये वाला पर्सनल वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पर जस्ट वेट करना है 10-20 सेकेंड्स। सो फिर से यहीं पर ये वाला वॉलपेपर सेट हो चुका है। दैट्स इट। तो बस इसी तरीके से आपको वॉलपेपर सेट करना है इस बोट के वे प्रो 1.69 HD डिस्प्ले वाले स्मार्ट वॉचेस में। तो इस स्मार्ट वॉचेस के रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिटेल में इसके सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, अनबॉक्सिंग टॉपिक, चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक और बहुत सारे।
So I hope you like this information. So this is the way to set wallpaper in Boat Vapro 1.69 inch display smartwatch.